हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से। हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग का टीजर रिलीज किया था, तो फाइनली डियावोल ब्रांड लॉन्च हो गया है। फैंस ने डियावोल की वेबसाइट पर विजिट किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल इस ब्रांड के अपेरल्स एक्सपेंसिव ही नहीं, ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। डियावोल ब्रांड का जैकेट का प्राइस 2 लाख तक रखा गया है, तो वही इसके रेगुलर टी शर्ट का प्राइस 24,000 तक रखा गया है। ये देखकर लोगों की अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले हैं ट्विटर पर। आदिल नाम के ट्विटर हैंडल से मीम शेयर करते हुए लिखा गया है, SRKN डियावोल वेबसाइट ओपन करने के बाद। तो वही आविष्कार नाम के ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, ये तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है ही नहीं, मैं तो सिर्फ जवान की टिकट ही खरीद सकता हूँ। और ऐसी ही कई प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। एक और यूजर ये कहते हैं कि ये सिर्फ आर्यन और SRK की ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं कि इतने ज्यादा महंगे हो, ये तो बहुत ज्यादा ही महंगे है और ये तो हम जैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अब दूसरी खबर है, कंगना रनौत ने सलमान खान से कहा, देश सुरक्षित हाथों में है। दरअसल कंगना रनौत अक्सर सेलिब्रिटीज के बयानों पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आती है। बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड छोड़ने के बयान पर भी अपना रिएक्शन देते हुए नजर आई थी, तो वही हाल ही में अब सलमान खान के बयान पर रिएक्शन देते हुए नजर आई है कंगना। ANI न्यूज को इंटरव्यू देते दौरान कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। कंगना रनौत जो हरिद्वार में मौजूद है, उन्होंने कहा कि हम एक्टर है और सलमान खान को सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्राप्त हुई है। सलमान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा सिक्योरिटी मिली हुई है, इसीलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। अब सलमान खान के आने वाली फिल्म की बात की जाए तो ऑडियंस को टाइगर 3 का बेसब्री से इंतजार है। किसी का भाई किसी की जान ने सलमान खान के स्टारडम पर धब्बा सा लगा दिया है। और अब शाहरुख खान की बात की जाए तो वो भी तैयार है टाइगर 3 के शूट के लिए। खबरों की माने तो इसी महीने के सेकंड वीक से शाहरुख खान शूट स्टार्ट कर देंगे टाइगर 3 के कैमियो के लिए। अब आखिरी तड़कती भड़कती खबर की बात की जाए तो ये खबर क्रिकेट जगत की दुनिया से है। IPL के हुए मैच फर्स्ट में 2023 को RCB और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए तनाव को लेकर भारी चर्चाओं में है। इस तनाव से हमें याद आ गए 10 साल पुराने कोहली और गंभीर की झड़प, जब गंभीर भी एक्टिव प्लेयर हुआ करते थे और तो और वो KKR के कप्तान भी रह चुके हैं। दरअसल ये मामला शुरू हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज नवीन और RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच। मैच के आखिर में हाथ मिलाते हुए नवीन और विराट में फिर से हो गई थी शब्दों की हेराफेरी। इसी बीच बचाव में गंभीर आ गए और कब ये मामला नवीन विराट से गंभीर विराट में तब्दील हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं हुआ। इसी बीच बचाव में LSG के गेंदबाज अमित मिश्रा को भी आना पड़ा आखिर में चीजों को संभालने के लिए, लेकिन कोहली और गंभीर एक दूसरे के करीब ही बने हुए थे। इसी सिचुएशन को देखते हुए BCCI ने कोहली और गंभीर को 100% मैच फी फाइन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ LSG के गेंदबाज नवीन उल हक को भी 50% मैच फी फाइन लगाया गया। क्या जेंटलमैन्स गेम में इतना एग्रेसिव होना जरूरी था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।